प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अलग अलग पोजीशन के ऊपर हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालने की, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज निकाला था। हमें पता है क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर होता है, और अगर चार्ज माइनस क्यू है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो माइनस का के क्यू बाई आर आएगा। फॉर्मूला हमें पता है एक सिंगल चार्ज की वजह से, लेकिन अब हम जब बात करें वो किसी डाइपोल की वजह से पढ़ रहे हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर तीन केस करूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हमें। तो एक बार करेंगे हम एक्सियल लाइन का केस, एक बार करेंगे इक्वेटोरियल लाइन का केस, एक बार करेंगे एट एनी जनरल पॉइंट। तो बेटा ये आपको बता रखा है, देखो जिस तरह मान लो अपने पास ये कोई डाइपोल हमें दे रखा है, ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। टोटल डिस्टेंस 2a है, मतलब ये डिस्टेंस a होगी, ये डिस्टेंस a होगी, लेंथ ऑफ डाइपोल 2a है। तो पहला केस हम एक्सियल लाइन का कर रहे हैं। एक्सियल लाइन के ऊपर यहाँ पर एज्यूम कर लिया मैंने कोई पॉइंट मान लिया P, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट यहाँ से सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस पे मैंने एज्यूम कर लिया। बहुत आसान है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। यहाँ पे हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल है ही नहीं, इसमें हमें मैग्नीट्यूड कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखो ये देखो, इस पी पॉइंट के ऊपर इस माइनस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा। तो हमें एक बात पता बेटा, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस माइनस क्यू, तो वी वन मान लिया मैंने इसको, तो वी वन कितना बनेगा, के माइनस क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए, क्योंकि हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस बनेगी ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये डिस्टेंस आर प्लस ए डिस्टेंस बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है और ये डिस्टेंस क्या है, ए है। तो पोटेंशियल आ गया अपने पास, वी वन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का के क्यू डिवाइड बाई में आर प्लस ए आया, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब जो ये प्लस का क्यू चार्ज है, इससे ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी आर माइनस का ए, आर माइनस ए। तो अब इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालो, तो वी टू मान लिया मैंने कितना बनेगा, के चार्ज कितना है क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस ए, इक्वेशन नंबर टू। तो नेट पोटेंशियल आपसे पूछा है कि नेट पोटेंशियल बताओ, वहां पर पी पॉइंट के ऊपर एक्सियल लाइन का पॉइंट है पी, तो नेट पोटेंशियल तो क्या करो बेटा, डायरेक्ट जोड़ो, इसमें कोई वेक्टर तो है नहीं कि भाई एंगल चाहिएगा हमें, डायरेक्शन चाहिएगी, डायरेक्ट जुड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा माइनस का के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए प्लस में के क्यू और में आर माइनस ए, तो वी इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम ले लिया बेटा, ये नीचे कॉमन ले लिया के क्यू, नीचे क्या बच गया अपने पास, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, तो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, अपने एलसीएम लिया तो इधर तो आ गया माइनस का आर माइनस ए प्लस में, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर प्लस ए आ जाएगा मैथमेटिकली। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, के क्यू माइनस का आर प्लस का ए प्लस का आर प्लस ए डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब बेटे ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू कितना आ गई यहाँ पे, के क्यू इंटू ए प्लस ए टू ए डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ गया। ये रिजल्ट आया अपने पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गए किसके ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर। अब ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्यू इंटू टू ए, पी होता है डाइपोल मोमेंट हमें पता है, बट क्यू इंटू टू ए इज इक्वल टू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा। तो ये रिजल्ट क्या बन गया आपके पास, ये रिजल्ट वी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस रिजल्ट को, वी इज इक्वल टू के पी क्यू इंटू टू को टू ए के पी लिख दिया हमने, डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होगा, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। ठीक है, अब अगर आपने एक चीज़ और देखनी है, अगर ऐसा हो कि इफ़ आर बहुत ज़्यादा हो ए से,
ये आर डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हो ए के कंपैरेटिवली, फिर तो क्या करेंगे हम इसको, ए को नेगलेक्ट भी कर देंगे तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पी और में आर स्क्वेयर आ जाएगा। ये टोटल पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन दी एक्सियल लाइन। तो ये तो बेटा एक्सियल लाइन का था, अब करेंगे हम इक्विटोरियल लाइन के ऊपर। देखो इक्विटोरियल लाइन के ऊपर जब हम डाइपोल मोमेंट फाइंड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ना, देखो बहुत आसान है ये, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखो वो हमने एक्सियल लाइन का केस करा, अब हम करेंगे इक्वेटोरियल लाइन का केस। इक्वेटोरियल लाइन का केस है मतलब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट डाइपोल की इक्विटोरियल लाइन पे लाई करता है। जिस तरह डाइपोल आपका माइनस क्यू, ये चार्ज के अपने पास है प्लस क्यू, और हमें पता है इक्विटोरियल लाइन क्या होगी, ये होगी इक्विटोरियल लाइन, ये इक्विटोरियल लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है एक्सिस को, डाइपोल की लेंथ को। तो मुझे मान ले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहे इस पॉइंट पर निकालना चाहे इस पॉइंट पर निकालना, मान ले मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा। देखो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, मान ले अपने पास ये सेंटर ऑफ डाइपोल से ये जो पॉइंट पी है ये डिस्टेंस से आर हमने ज़ूम कर ली। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान से देख के कि ये जो पी पॉइंट है आपका, इस पी पॉइंट की इस माइनस के ओ से डिस्टेंस कितनी होगी, ये आर है ये ए है तो ये कितनी होगी, रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होगी। इस प्लस के ओ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी कितनी अपने पास, रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होगी। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो आप ये देख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस माइनस के चार्ज की वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, दोनों का ऐड कर दो, उसके अंदर क्वांटिटी है, एंगल का कोई रोल है ही नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पर वी वन कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया माइनस के की वजह से, यहाँ पे के माइनस क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आ गया, क्योंकि वी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, और क्यू का जो चार्ज है चार्ज का हमने साइन कंसिडर करना होता है। इसकी वजह से देख लो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ गया, वी टू इज इक्वल टू के क्यू और में रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आ गया, क्योंकि ये प्लस का चार्ज है और ये डिस्टेंस कितनी है, रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो नेट पोटेंशियल क्या करोगे आप, वी वन प्लस वी टू एड करोगे, ध्यान से देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, माइनस के क्यू और में रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस में के क्यू रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये इससे वैल्यू कैंसिल होगी तो वी इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया, तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा यहाँ पे, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर। आपको ये बोला जाता है कि एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। एक चार्ज को हमने यहाँ से, ये मान लिया अपने पास कोई चार्ज है क्यू नोट, इसको मान लिया यहाँ से हमने ये इधर मूव करवाया है, इस तरह मूव करवाया ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। आपसे पूछा जाएगा कि इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इक्वेटोरियल लाइन पर मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करा गया। तो हमें एक बेसिक बात पता बेटा, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू में क्यू होता है, वी मतलब यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, क्यू मतलब चार्ज कैरिड होता है। अब आप मुझे बताओ वर्क डन इज इक्वल टू, आप मुझे बताओ इक्विटोरियल लाइन पर यहाँ पर जितना पोटेंशियल है क्या उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, कहने का मतलब है इक्विटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा, वी जीरो है यहाँ पे, इक्विटोरियल लाइन के ऊपर वी जीरो है, मैंने अभी बताया आपको। अगर वी जीरो है तो क्या वर्क डन भी जीरो होगा,
वी जीरो तो वर्क डन भी जीरो। तो ध्यान रखना कि वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, कहाँ से कहाँ टू कैरी ए चार्ज ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल क्या बनेगा, इज जीरो। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करा ना, वो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास, हमने जो पढ़ना है वो हम पढ़े बेटा एट एनी जनरल पॉइंट, मतलब बीच में कहीं पर भी हो और हो दूसरी जगह हो। चार्ज पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको अभी बताऊंगा। डेरिवेशन है थोड़ा सा लेंथी पड़ता है कई बार, ये डेरिवेशन समझने की कोशिश करना। आपसे पूछा आता है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एट ए पॉइंट, एट एनी पॉइंट मतलब पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, वो जनरल पॉइंट है, वो एक्सियल लाइन पे हो सकता है, इक्वेटोरियल पे हो सकता है, उनके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। देखो बेटे, आपसे बोल दिया गया ये डाइपोल है, ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है। मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया सेंटर ऑफ डाइपोल से, ये मान लिया अपने पास कोई पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस के ऊपर है, और ये पॉइंट पी ना तो एक्सियल लाइन के ऊपर ना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट है, बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो मैंने ये पॉइंट इस तरीके से कंसिडर कर दिया कि इस पॉइंट की जो लाइन ऑफ एक्सिस है उसने सेंटर ऑफ डाइपोल के साथ थीट एंगल बना रखा है, थीट एंगल बना रखा है। तो हमें इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, कितना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा। तो ये जो माइनस क्यू है, मैंने एक अज्यूम कर लिया कि माइनस क्यू से ये जो पी है इसकी डिस्टेंस मैंने आर वन मान ली, और प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस मैंने आर टू मान ली, आर टू अज्यूम कर ली। ठीक है बेटे, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पर मैं ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करूँगा। उस चीज़ को समझना ध्यान से, वही बात है जो बच्चों को कई बार नहीं समझ में आती, और इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। मैंने एक काम करा, इस पी पॉइंट के ऊपर इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो वी वन मान लिया मैंने, वी वन इज इक्वल टू कितना आएगा, के माइनस का क्यू डिवाइड बाई आर वन होगा, इस माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर डिस्टेंस, क्यू डिस्टेंस आर वन है। तो वी वन इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का के क्यू ओवर में आर वन आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल इस पी पॉइंट पर, तो वी टू मान लिया मैंने, सो वो कितना आएगा अपने पास, वो के क्यू ओवर में आर टू हो जाएगा, कि डिस्टेंस अलग अलग है दोनों की, इक्वेशन नंबर टू। तो नेट पोटेंशियल बताओ कितना आ गया, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल वी इज इक्वल टू कितना बेटा, वी वन प्लस वी टू दोनों को ऐड कर दें, तो वी इज इक्वल टू वी वन कितना बेटा, माइनस का के क्यू ओवर में आर वन प्लस में के क्यू ओवर में आर टू। तो वी इज इक्वल टू बेटा के क्यू तो कॉमन आ गया, कितना आ गया अपने पास यहाँ से, वन बाई आर टू माइनस का वन बाई आर वन बना है, ये अपने पास नेट पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इस आर वन और आर टू की वैल्यू पता कितनी होगी, क्योंकि जब डाइपोल गिवन होगा आपको, देखो के की वैल्यू तो आपको पता ही है, क्यों भी आपको पता होगा, जब डाइपोल गिवन होगा तो चार्ज की वैल्यू भी आपको देगा एग्जामिनर। हमें आर वन आर टू की वैल्यू नहीं पता होता, क्योंकि हमें ये पता होगी आर कितनी है बस, एग्जामिनर जब न्यूमेरिकल देगा तो आर तो बता देगा, लेकिन ना आर वन पता होगी हमें ना आर टू पता होगी, ये तो हमने एज्यूम कर रखे हैं यहाँ पे। तो इसकी टर्म में तो हम रिलेशन को नहीं छोड़ सकते, तो हमें रिलेशन को आर की टर्म में लेके आना पड़ेगा। तो मैं मुझे अब करना क्या है कि
कि मैं यहां पर अब एक तो 1/r2 की वैल्यू निकालूंगा, एक 1/r1 की वैल्यू निकालूंगा और इसे रिलेशन में पुट कर दूंगा, अपना आंसर आ जाएगा। देखो हम एक काम करते हैं, ये जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, समझना इस बात को, यहाँ पर ट्रेंगल ऑफ एक्सट्रीडिशन का इस्तेमाल करूंगा मैं। ट्रेंगल ऑफ एक्सट्रीडिशन क्या होता था, याद होता आपको? एक चाहे एक वैक्टर ये आ गया था ए, एक वैक्टर ये था अपने पास बी, ठीक है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर ये आ करता आर, ठीक है। और इसमें हम क्या करा करते हैं, हम ये वाला एंगल कंसीडर करा करते, आउटर एंगल, याद हो 11th क्लास में ये वाला एंगल लिया करते थीटा। तो फिर ये रिजल्ट नहीं आया करता अपने पास, आर इज इक्वल टू रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब ये आउटर एंगल लेना होता था हमें, ए और बी का आउटर एंगल हम यहाँ पे कंसिडर करते थे। तो अब मुझे बताओ, जिस तरह यहाँ पर ए और आर है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं ए बी सी ओ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए ओ सी ट्रायंगल की, अगर ए और आर को देखें हम, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन हो गया, आर वन हो गया। अगर आर वन रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ए और आर का कौन सा एंगल लोगे आप, ये इन दोनों का आउटर एंगल ये बनेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप मुझे बताओ, आर वन इज इक्वल टू कितना बनेगा, आर वन इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस आर स्केयर प्लस 2ar cos थीटा की पावर 1/2 बनेगा। अरे यही वैल्यू आएगी, ए और आर का रिजल्टेंट कौन है, आर वन है, तो क्या बना, ए स्केयर प्लस आर स्केयर प्लस 2ar cos थीटा, आउटर एंगल लेना होता है हमें। तो आर वन इज इक्वल टू, यहां से कुछ कॉमन है, मैंने आर स्केयर कॉमन ले लिया, पूरे का रूट है, रूट में से आर स्क्वेयर कॉमन लोगे तो बाहर आएगा आर, यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस में 2ab में आर, यहाँ आर था, आर स्क्वेयर कॉमन लिया तो नीचे आर आ जाएगा, कोस थीटा इसकी पावर 1/2। बट अगर हम कंसिडर करें कि ए जो है वो आर के कंपेरेटिवली बहुत छोटी है, तो इस फैक्टर को हम नेगलेक्ट कर देंगे। अगर इस फैक्टर को आप नेगलेक्ट कर दोगे, तो आर वन इज इक्वल टू कितना आ गया, आर इंटू में 1 प्लस 2ar cos थीटा की पावर 1/2 बन गया, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो मुझे इस रिलेशन के अंदर यहाँ पर देखो, हमें आर वन नहीं चाहिए, हमें 1/r1 चाहिए, 1/r2 चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/r1 इज इक्वल टू 1/r, इसको पूरे को रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 प्लस में 2ar cos थीटा की पावर माइनस का 1/2 कर दूं, ये रेसिप्रोकल में आएगा, नीचे आएगा ना, नीचे आएगा तो कितना बन गया, 1 ओवर में 1 प्लस 2ar cos थीटा की पावर 1/2, में ऊपर ले आया इसको, माइनस का हो जाएगा। यहां पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो आप, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पावर जो है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/r1 इज इक्वल टू कितना आया, 1/r इंटू में 1 माइनस का 1/2, 2ar cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/r1 आ गया बेटा, 1/r into 1 माइनस ar cos थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया अपने पास, ठीक है। 1/r1 तो आ गया, और क्या चाहिए, 1/r2 भी चाहिए हमें, तो 1/r2 कैसे निकालोगे अब आप, इसी डायग्राम से निकालेंगे। इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो, ये जो r2 है, r2 किसका रिजल्टेंट होगा, r और a का रिजल्टेंट होगा, तो a और r का रिजल्टेंट जो r2 है, तो एंगल कौन सा चाहिए, a और r का आउटर एंगल चाहिए, आउटर एंगल तो कौन होगा, ये होगा आउटर एंगल, आउटर एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये कितना, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करो, बताओ इसमें इस इक्वेशन के अंदर, इस ट्रेंगल के अंदर, तो क्या लिखोगे आप, R2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, किसका रिजल्टेंट R2, A और R का, तो क्या लिखोगे आप, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस 2ar cos, एंगल कितना लोगे, एंगल लेना पड़ेगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि आउटर एंगल लेते हैं हम, 180 माइनस थीटा, इसकी पावर कितनी है, 1/2 रूट होता है, हो
हो गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं, एंगल समझ में आना चाहिए आपको। 180 माइनस थीटा क्यों लिया, क्योंकि ए और आर टू वैक्टर था, इनका रिजल्टेंट आर था, सॉरी ए और आर का रिजल्टेंट आर टू था, तो इसका मतलब हमें ए और आर का आउटर एंगल लेना पड़ेगा। ई आउटर एंगल ले लिया हमने, क्वेश्चन खत्म। क्या करोगे, आर टू इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉमन ले लो, बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करने सारे। आर स्क्वेयर कॉमन लोगे तो आर आएगा बाहर, ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर प्लस में 1 प्लस में 2 ए बाई में आर कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, इसकी पावर 1/2। तो ये यहाँ प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ए स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर को नेगलेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि ए को हमने बहुत छोटा मान रखा है आर के कंपैरेटिवली। तो आर टू इज इक्वल टू कितना आ गया, आर इंटू में 1, यहाँ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, 1 - 2 a/r कोस थीटा की पावर 1/2। फिर क्या करेंगे, हमने रेसिप्रोकल लेना है, 1/r2 इज इक्वल टू 1/r * में 1 - 2 a/r कोस थीटा की पावर माइनस का 1/2 होगा। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये प्लस का 1/2 है, रेसिप्रोकल लोगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो 1/r2 इज इक्वल टू 1/r * में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो, ये पावर है जो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 माइनस है और माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2 हो जाएगा, 2 a/r कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई अपने पास, 1/r2 इज इक्वल टू, 1/r2 इज इक्वल टू, देखो वैल्यू कितनी बनी, 1/r 1 + a/r कोस थीटा, 1/r 1 + a/r कोस थीटा, ये इक्वेशन नंबर आ गया अपने पास है 5। 1/r1 की वैल्यू निकाली थी हमने, 1/r2 की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करें, इनको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, 1/r2 की वैल्यू और 1/r1 की वैल्यू 3 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो क्या आया देखो, तो v इज इक्वल टू क्या था, वैल्यू देखो क्या था अपने पास, के क्यू तो बेटा K Q 1/r1, 1/r2 माइनस का 1/r1, तो 1/r2 कितना है, 1/r 1 + a/r कोस थीटा माइनस 1/r1, 1/r1 क्या था, 1/r 1 - a/r कोस थीटा था, यहाँ प्लस आता है आर टू में, यहाँ माइनस आ जाता है, वैल्यू देखोगे इक्वेशन नंबर 4 से। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, के क्यू और में आर कॉमन है, 1/r यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 1 + a/r कोस थीटा माइनस में 1 + a/r कोस थीटा 1 से 1 कैंसिल, v इज इक्वल टू के क्यू और में आर, ये क्या बच गया, 2 a/r कोस थीटा, ये देखो ध्यान से क्या है, क्यू इंटू 2 a डाइपल मोमेंट है p, तो Kp कोस थीटा और में आर इंटू आर, आर का स्क्वेयर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया एट एनी पॉइंट। एक्जिल का अलग आया था, इक्विटोरियल का 0 आया था, ये एट एनी पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ से आप स्पेशल केस भी कर सकते हो, अगर आपको बोले कि एक्जिल लाइन का फाइंड आउट करना, अगर आप अलग अलग डेरिवेशन नहीं करना चाहते जो हमने एक्जिल और इक्विटोरियल करा था, तो आप अकेला रिलेशन ये कर लो, ठीक है। फिर अगर एक्जिल लाइन की बात आएगी, माइनस क्यू प्लस क्यू, एक्जिल लाइन की बात आएगी, यहाँ पर हमने डाइपोल, इस डाइपोल की एक्जिल लाइन पर पोटेंशियल निकालना है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, वी इज इक्वल टू के पी कोस 0/r² कोस 0 कितना होता है 1, तो वी इज इक्वल टू कितना आ गया, Kp/r² आ गया, ठीक है। तो Kp/r² आ गया, मतलब ये तो वही रिलेशन आ गया जो हमने अभी डिराइव करा था, ये रिलेशन हमने अभी डिराइव करा था, वी इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, Kp/r² किसके ऊपर, एक्जिल लाइन के ऊपर, ठीक है। एक्जिल लाइन का केस आ गया, इक्वेटोरियल लाइन में करोगे
फॉर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा डाइपोल के, तो एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाए, के पी कॉस 90 ओवर आर स्क्वेयर, कॉस 90 कितना होता है 0, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये तीन आर्टिकल हैं, ये तीन आर्टिकल तुम लोगों को करने हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, ये कर लेना आप लोग काम, कल फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, कल कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हमें, और एक वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस करनी है, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कल करेंगे उसको हम।